प्यारे छात्रों, चलिए चलते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग पिछले दिन प्रूफ देख रहे थे, अलग अलग सिचुएशन का, अलग अलग केस का प्रूफ देख रहे थे। पहला ये था कि हम लोग केंद्र पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, सीधे धारावाही तार के कारण कितना होता है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना होता है, ये सब सारा हम लोग चीज देखे हुए थे। आज हम लोग चलिए उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ आज के क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करते हैं। NUM न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, PROB न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स का देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, हम बोल रहे हैं और आप चीजों को सुनकर आप लिखिए और फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है और कैसे यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। 1.5 एम्पियर की धारा 1.5 एम्पियर की धारा तार की एक वृत्ताकार कुंडली से होकर प्रवाहित होती है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यदि कुंडली में 25 फेरे हों और उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो और उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करें। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का प्यारे छात्रों आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन जरा अच्छा से समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो वहां से आप समझिएगा चीजों को। आप शुरू से पढ़िए, लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखिएगा क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है? तो 1.5 एम्पियर, तो एम्पियर किसका ऐसे मात्रक होता है? विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से, तो I का वैल्यू हो गया 1.5 एम्पियर से होकर वृत्ताकार कुंडली से होकर प्रवाहित होता है। कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इससे हम लोग कुछ पता नहीं चल रहे। और कुंडली में फेरों की संख्या, प्यारे छात्रों फेरों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल N, तो कितना फेरा है? 25 फेरों की संख्या है। और उसकी त्रिज्या किसकी? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि कैपिटल R। अक्सर जो हम लोग प्रूफ में माने हुए हैं वो कैपिटल R का मतलब क्या माने हुए हैं? जब वृत्ताकार कुंडली होता है तो उसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, तो 15 सेंटीमीटर है प्यारे छात्रों। और न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो दूरी का हमेशा ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करते हैं तब ये हो जाएगा मीटर में। और फिर अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है प्यारे छात्रों, बी का वैल्यू निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र कहां पर का? तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है ताकि सवाल क्या बोल रहा है, सवाल जरा ध्यान से सुनिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर बोला हुआ है,
तो वृत्ताकार धारावाही तो हम अपने तरफ से जोड़ दिए हैं क्योंकि वृत्त के फॉर्म में है, उसका त्रिज्या बोल रहा है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है प्यारे छात्रों। तो केंद्र पर का चुंबकीय क्षेत्र आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। तो केंद्र पर का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये होता है। लेकिन एक चीज और हम लोग पढ़े हैं कि उसमें अगर फेरों की संख्या भी तो है, तो यदि फेरों की संख्या एन रहता है तो यहां पे हम लोग एन इंटू कर देते हैं। प्यारे छात्रों आपको ये सब जरा अपना दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं। हम लोग तो केस प्रूफ किए हैं। अगर आपको सवाल रहेगा अनंत लंबाई वाले सीधे जा रहे तो अनंत वाले आपको प्रूफ फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें इस फार्मूले को यूज करना है। अच्छा, एन कब लगाना है, जब फेरों की संख्या दिया रहेगा तो एन लगाना है, अन्यथा एन नहीं लगाना। जैसे एन नहीं दिया रहता तो हम एन को यहां नहीं लगाते, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए इसका आंसर लाते हैं, ऊपर से फिर से मिटाते हैं स्पेस नहीं होने के कारण। तो यहां पे हम लोग, अच्छा एक और बात कि यहां पे म्यू नोट का वैल्यू क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए, हम बताए भी होंगे। म्यू नोट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻¹⁷ हेनरी पर मीटर, ये होता है इसका वैल्यू। यानी कि एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻¹⁷। तो अब हम लोग यहां पे b बराबर फार्मूला पे रखते हैं तो म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना, 4π × 10⁻¹⁷ इंटू आई, आई का वैल्यू कितना था 1.5 एम्पियर, एन कितना था, फेरों की संख्या 25 था, डिवाइडेड बाय 2, और आर कितना था प्यारे छात्रों, तो मीटर में, तो 15/100। इसको जरा अच्छा से कैलकुलेशन करते हैं, 4, पाई का वैल्यू प्यारे छात्रों आप 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। यानी कि हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं पाई का वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं या फिर 22/7 भी ले सकते हैं। फिलहाल हम पुट कर रहे हैं 3.14 × 10⁻¹⁷, 1.525 इंटू, नीचे वाला कहां चला जाता है ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 100 बटा नीचे क्या बच रहा है 2 × 15, और ये 15 से अगर एक जीरो नीचे आएगा यानी कि 1.5 था ना, तो 1.5 से पॉइंट को आएंगे तो 10 और 15 से 15 खत्म होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, और फिर दो से ये दो मर्तबा में बाहर कटेगा। तो अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसको किसको प्यारे छात्रों, तो 2 3.14 × 10⁻¹⁷ × 25 × 10। तो सबको कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसका जो आंसर आएगा 4π × 10⁻¹⁷। अगर पहले भी अगर हम −17 लिख दिए होंगे तो गलती से −17 बाई मिस्टेक हुआ होगा। तो म्यू नोट का वैल्यू 4π × 10⁻¹⁷ होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, −17 नहीं −7। तो इस तरह से मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, आंसर इसका आएगा 1.57 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये −7 है और इसको जब गुना कीजिएगा तो पॉइंट को हम इधर खिसका दिए हैं, तो इसलिए वैल्यू इसका घट गया है। तो 1.57 × 10⁻⁴ टेस्ला इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अनंत लंबाई वाले, सीधे धारावाही तार में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे, अनंत लंबाई वाले
सीधे धारावाही तार में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है तो तार से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए आगे का काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए प्यारे छात्रों आपको सबसे पहले समझना होगा कि किस किस चीज का मान दिया है। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो समझिए 40% आपका काम क्लियर हो गया। फिर आपको ये सोचना होगा 10% के लिए कि कौन सा फार्मूला उसके लिए फिट बैठेगा, 50% काम खत्म। अब 50 में आपका सॉल्यूशन है, अगर अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो 50% यानी कि टोटल 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, जरा फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनंत लंबाई वाले, प्यारे छात्रों यहां से कुछ पॉइंट पकड़िए कि सीधे धारावाही तार है, अब वहां पे भी हम लोग पढ़े थे सीधे धारावाही तार के लिए अनंत लंबाई के लिए फार्मूला। तो यहां पे सीधे धारावाही तार है अनंत लंबाई का है, उसमें 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, यानी आई का वैल्यू कितना है 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा। अच्छा फिर क्या बोल रहे, तार से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी। प्यारे छात्रों आपको याद होगा कि हम लोग तार वाला सीधे धारावाही तार को किसी पॉइंट को ओ माने थे और कुछ दूरी पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो वो दूरी हम लोग आर ही माने थे, कैपिटल आर माने थे। आप नहीं है तो आप जाकर चीजों को देख लीजिए कि वो अगर वो पॉइंट कहां माने थे तो तार पे वो पॉइंट था। अब इससे आर दूरी पर ही ना चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, निकाले थे वहां पे, तो यहां पे बोल रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कि यही पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, दूरी, और दूरी का मतलब कैपिटल आर। प्यारे छात्रों तो यहां पे जो कैपिटल आर है ना त्रिज्या नहीं समझना है, यहां पे तार से उस बिंदु तक की दूरी है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसको हम लोग आर सूचित किए थे 4.5 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर है प्यारे छात्रों इसको मीटर में बदलना है, और मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं, तब किसमें आ गया ये मीटर में। अच्छा आई और आर का तो मान क्लियर दे दिया है, अब इसके बाद बाकी कुछ भी नहीं दिया है। और फिर ये बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, तो बी बराबर कितना टेस्ला आंसर होगा। तो सबसे पहले सवाल में शुरू में बोला था कि अनंत सीधे धारावाही यानी कि सीधे धारावाही तार के लिए तो हम लोग प्रूफ किए थे, अब उसमें भी दो केस था, एक अनंत के लिए एक परिमित के लिए। तो अनंत के लिए हमें यहां पे चाहिए वैल्यू, तो अनंत सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, पता है प्यारे छात्रों अनंत सीधे धारावाही तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू था वो कितना था। अच्छा इसमें तो फेरों की संख्या हो नहीं सकता है क्योंकि वृत्ताकार तो है नहीं कि इसमें फेरों की संख्या होगा, इसलिए यहां पे सवाल भी कभी नहीं आएगा सीधे धारावाही वाले तार में कि इसमें फेरों की संख्या भी हो सकता है,
बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि फेरा कब होगा, जब वृत्ताकार फॉर्म में होगा तब ना फेरों की संख्या गोल गोल होगा। तो लेकिन इसमें फेरों की संख्या का कोई चक्कर नहीं है, कभी नहीं देगा सवाल, अगर देगा भी तो एन से मल्टीप्लाई करना है, और देगा इसमें नहीं वो वृत्ताकार वाला में दे सकता है। तो यहां पे फार्मूला था प्यारे छात्रों म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, यहां पे फार्मूला था क्या म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, ये फार्मूला था अनंत धारावाही तार के लिए। और फिर से हम बार बार बोल रहे हैं वहां पे पीछे बाय मिस्टेक हो गया था, म्यू नॉट का वैल्यू हमेशा कितना होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर, माइनस 7 याद रखिएगा। अब इसके जगह पे हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए अब इसके आगे, तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7, आई का वैल्यू कितना था तो आई का वैल्यू हमें सवाल में दिया था 2.5 एम्पियर बटा 2 पाई, तो 2 पाई का 2 पाई छोड़ देंगे पहले साथ, इसलिए हम पाई का वैल्यू अभी नहीं बैठाएंगे क्योंकि पाई पाई ऊपर नीचे कट रहा है। देखिए आप यही तो मैथ्स का कैलकुलेशन है, जो चीज कट रहा है उसको काट देना अच्छा है, वहां पे 3.14 रख के गुना क्यों कराएंगे उतना सारा, इसलिए अभी हम लोग पाई का वैल्यू नहीं रखने वाले हैं, और यहाँ पे 4.5 बाई कितना 100। चलिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पाई पाई से कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो चीजें कैंसिल आउट होती है वहां पे हम लोग उसका वैल्यू नहीं रखते हैं, तो यहां से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 मर्तबा में कट गया, तो कितना हुआ 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 इंटू 2.5 इंटू ये जाएगा ऊपर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में क्या है 4.5। तो इधर भी ऊपर में भी एक अंक के बाद है पॉइंट, और नीचे में भी एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 5 से 5 मर्तबा में कटेगा और ये 9 मर्तबा में कटेगा, तो यहां टोटल मिलाकर आ गया 5 × 2 का 10/9 और इंटू 10 के पावर, यहां पे जब आधार सेम है पावर अलग अलग है तो ऐड कर देते हैं, तो -7 और 2 मिल गया -5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.11 आते जाएगा इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला। इस तरीके से इसका हम आंसर ला देंगे 1.1 इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला। तो इस तरीके का 2 क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, आपको जो करना है वो बिल्कुल अच्छे से करना है, चीजों को देखकर करना है, न्यूमेरिकल में जो चीज बोल रहा है उसको पहले आप लिखिए कि क्या क्या दिया है, उसके बाद आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कौन सा फार्मूला आखिर यूज करें, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है लेकिन किस केस के लिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है, तो जिस भी केस के लिए बोलेगा प्यारे छात्रों वहां पे आपको वैसा ही काम करना है, उसी फार्मूला का पुट करके और निकालेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, और अब जो क्वेश्चंस हम लिखवा रहे हैं प्यारे छात्रों आपको इसको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाना है, ये जो 2 क्वेश्चन था हम आपको ये बता दिए हैं कि आखिर कैसे चीजों को पुट करना है, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे बनाने का प्रयास करना है, तो ये चीज हम आपको 2 क्वेश्चन से बताने का प्रयास किए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन लिखवाएंगे 2-3 क्वेश्चन वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद बनाइएगा और हमें सेंड कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार जो है वो खुद से बनाना है, मतलब कि HW में लिख सकते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है, और इसमें फेरों की संख्या 72 है, और इसमें फेरों की संख्या 72 है। यदि कुंडली में 0.24 कुंडली में 0.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 0.24 एम्पियर की विद्युत धारा
प्रवाहित हो रही हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें। चलिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखेंगे दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार धारावाही तार में पांच एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है कॉमा यदि इसमें फेरों की संख्या बारह हो तो इस वृत्ताकार धारावाही तार के केंद्र से दस दशमलव पांच सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। पहले छात्रों हम इसमें आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जरा क्वेश्चन समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार तार है और इसके केंद्र से 10.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ऐसा कौन सा केस था? ये तो केंद्र से, जब वृत्ताकार कुंडली है उसको केंद्र से दूरी बोल रहा है, तो ये अक्ष वाला ना है। तो इसमें कौन सा केस चलेगा? फॉर्मूला केस नंबर 3 का, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितना होता है। चूंकि ये अक्ष ही ना हुआ, केंद्र से इतना सेंटीमीटर का दूरी है, तो ये हो जाएगा x का, क्योंकि ये यहां से यहां तक हम x माने थे और इसका त्रिज्या r माने थे। तो आप बिल्कुल इन चीजों को अच्छे से पुट कीजिएगा कि यहां पे जो सवाल बोल रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली है लेकिन केंद्र से 10.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बोल रहे हैं। तो 10.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है? 10.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि छोटा x का मान दिया हुआ है और कैपिटल R का वैल्यू दिया हुआ है, उसका त्रिज्या, और करंट I का वैल्यू दिया है। तो फिर फार्मूला पुट कर देंगे। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे आपको ये नहीं बोला है कि अक्ष पर, हालांकि वो अक्ष पर ही है क्योंकि केंद्र से इतना मीटर की दूरी, सेंटीमीटर की दूरी, तो अक्ष ही ना हुआ क्योंकि केंद्र से ही ना पास कर रहा है, तो इसलिए ये अक्ष वाला फार्मूला लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अनंत लंबाई वाले सीधे धारावाही तार में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है कॉमा उसी तार से 2.45 सेंटीमीटर की दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले। तो प्यारे छात्रों आज हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, न्यूमेरिकल में हम दो क्वेश्चन खुद सॉल्यूशन किए हैं और आपको तीन क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए दिए हैं। तो आप बिल्कुल इन चीजों को प्रयास कीजिएगा, आंसर सही आए या ना आए, गलत ही आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कोशिश करना है और आपको कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो आप इन तीन क्वेश्चन को अच्छे से आप बनाइए और फिर आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले क्लास में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम लोग, अगले क्लास में इसके आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।